जी हाँ दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो भारत की भास्कर की एक्सक्लूसिव खबर है, DEU करेंगे पात्रता जांच व वेरिफिकेशन, संविदा भर्ती अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल में गणित और विज्ञान विषय से BEd अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, 300 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी पोस्टिंग, फाइनल मेरिट में चयनित होने वाले करीब 300 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में पोस्टिंग दी जाएगी। इसी शिक्षा सत्र में राज्य में 1100 व सीकर में 60 महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल हिंदी संघ से कवत के महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने बताया कि NCET के नियमों के हिसाब से अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों की भर्ती में बड़ी चूक सामने आई है। विभाग ने सिर्फ गणित विषय के अध्यापकों के लिए आवेदन मांग लिए, जबकि कक्षा 1 से 8 तक के गणित विज्ञान के लिए शिक्षक के लिए एक ही शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाती है। शिक्षा विभाग की गलती का खामियाजा प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को भी भुगतना पड़ सकता है। अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में भर्ती की कवायद विभाग ने पिछले साल शुरू की थी, लेकिन नियमों की गलफत की वजह से भर्ती 2 बार अटक गई है। प्रदेश में तकरीबन 97,112 पदों पर अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों की संविदा भर्ती के लिए भी विज्ञप्ति निकाली गई थी। वहीं सीसराम कुलहरी जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि संविदा भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को दस्तावेज और पात्रता की जांच के बाद फाइनल मेरिट घोषित की जाएगी। जून में काउंसलिंग कराकर नए सत्र में स्कूल में रिक्त पद भर दिए जाएंगे। अगली खबर है, शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा निदेशक संगठन की वार्ता, राजस्थान शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा संकुल जयपुर में वार्ता हुई। वार्ता के दौरान 6D की प्रक्रिया के बाद सेटअप प्रतिरोध को रोक का स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के सुझाव पर निदेशक ने इसे गंभीरता से लेकर निदेशालय के शिक्षा अधिकारियों से वार्ता की तथा शिक्षा अधिकारियों के साथ संगठन के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाकर उचित निस्तारण सोमवार तक करने की रूपरेखा तय की गई है। वहीं अगर देखी जाए RPSC सेकेंडरी भर्ती मामले को जोर पकड़ रहा है। वरिष्ठ अध्यापक नकल उपकरण का मूल अभ्यर्थी गिरफ्तार, टॉप 10 में था वांछित फर्जी अभ्यर्थियों के तौर पर पुलिस का कांस्टेबल बैठा था। जोधपुर के शहर की सूरसागर पुलिस ने नकल प्रकरण के मामले में 4 महीने से फरार चल रहे मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। उसके स्थान पर पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देने आया था। आरोपी टॉप 10 में शुमार था। थानाधिकारी गौतम डोटासारा ने बताया कि 13 फरवरी को स्थानीय विद्यालय में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत भर्ती परीक्षा प्रथम पारी में दल्लाराम पुत्र मेघाराम द्वारा अशोक कुमार पुत्र मनोज कुमार के स्थान पर फर्जी परीक्षार्थी के रूप में बैठकर परीक्षा देते पाए जाने पर फर्जी परीक्षार्थी दल्लाराम पुत्र मेघाराम निवासी कादानाड़ी पोस्ट मंडावला तहसील सेणदरी बाड़मेर को गिरफ्तार किया गया था। इस पर परीक्षा अधिनियम पर केस दर्ज किया गया है। अगली खबर है, आज सुबह 10 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश, कड़ी सुरक्षा के बीच आज होगी PTET परीक्षा। प्रदेश भर के 1494 केंद्रों पर 5.21 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षाएं। जयपुर में बनाए गए 146 केंद्र। और आज की महत्वपूर्ण खबर है, कन्हैयालाल गोयल जो है टीचर गुरुजी की तरफ से ट्वीट किया गया है, रीट अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा लेवल प्रथम परिणाम 24 या 25 मई को कभी भी जारी हो सकता है। 24 मई की ज़्यादा संभावना है। इस बार नए पैटर्न एवं अनेक फैक्टर के कारण 2 गुना कटऑफ कम रहेगी। अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों कहना चाहूँगा, देखो नज़दीक घड़ी आ चुकी हैं, रीट परीक्षार्थी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि परिणाम को लेकर, उनकी जो परिणाम है उसको लेकर जल्दी नई खबर आ सकती है और उनका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। तो जल्दी जारी होगा रीट का परिणाम। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।